आज की वीडियो में आई एम गोइंग टू रिक्रिएट आलिया भट्ट आउटफिट। मैंने कुछ मॉडेस्ट आउटफिट चूज किए हैं आलिया भट्ट के एंड उनको मैं आज रिक्रिएट करूंगी और सारे के सारे आउटफिट मैंने मिंत्रा से ऑर्डर किए हैं। सो इफ यू आर इंटरेस्टेड देन कीप ऑन वॉचिंग। गाइज वेलकम बैक टू माई चैनल, माई नेम इज माही। सो हाउ आर यू ऑल? आई होप यू आर ऑल डूइंग ग्रेट एंड टेकिंग केयर ऑफ योर फिजिकल एज वेल एज योर मेंटल हेल्थ। सो एज आई सैड, मैं आलिया भट्ट के कुछ मॉडेस्ट आउटफिट आज रिक्रिएट करूंगी। सो पहली बात तो एक्ट्रेसेस के मॉडेस्ट आउटफिट चूज करना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है, बिकॉज कुछ ना कुछ पार्ट उसमें रिवीलिंग हो ही जाता है एंड वो सेम स्टाइल का ऑनलाइन साइट पे कपड़े ढूंढना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है एंड कभी सेम पैटर्न तो कभी मिलता ही नहीं है। बट फिर भी मिलता जुलता जितना हो सकता था मैंने वो ढूंढा है एंड आई हैव 3 आउटफिट विच आई एम गोइंग टू रिक्रिएट। मैंने जो मेन फोकस रखा है वो उसकी डिज़ाइनिंग एंड लुक पे रखा है। मटेरियल की क्वालिटी कैसी आएगी या सेम एग्जैक्ट वो वैसा ही लगेगा कि नहीं, वो हम अभी इस वीडियो में ट्राई करेंगे। ओके जी, सो द फर्स्ट आउटफिट आई हैव चोज इज दिस वन एंड दिस इज अ रियली नाइस एंड प्रिटी ब्लैक जंपसूट एंड इस तरीके की कुछ उसमें स्लीव्स दी हुई हैं, डिटेलिंग दी हुई है एंड कुछ इस तरीके का टाई अप थिंग है एंड बेसिकली यू गेट द आइडिया, दिस इज द जंपसूट। और ये जब मैंने काफ़ी सारी साइट्स पर ढूंढा, ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ मिंत्रा पे गई, मैंने काफ़ी सारी साइट्स पर कपड़े ढूंढे थे बट मुझे सारे के सारे मिंत्रा पे ही मिल गए। सो मैंने जो तीनों आउटफिट मंगाए वो मिंत्रा से ही मंगाए। सो इसके लिए जो मैंने सेम एग्जैक्ट आउटफिट जो मैंने ऑर्डर की वो है दिस वन। सो दिस इज द जंपसूट एंड दिस इज हाउ इट लुक्स। आई थिंक आई डिड अ प्रीटी गुड जॉब इसको ढूंढने के लिए, बिकॉज ये इसमें सिर्फ एक प्रॉब्लम है कि ये हाफ है और वो आई थिंक फुल स्लीव्स में है, बट अदरवाइज द बटन, द डिटेलिंग एंड द रैप अराउंड थिंग इस तरीके से दी हुई है एंड दिस बाकी इसका मटेरियल जो फील करने से मुझे लग रहा है वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, बिकॉज बहुत ज़्यादा लाइक थिक मटेरियल है और गर्मियों के हिसाब से यू कांट वेयर दिस टाइप ऑफ मटेरियल। लाइक मुझे इसको टच करके गर्मी लगने लग गई है, इतना ज़्यादा मोटा कपड़ा इसका है। और जैसे कि आप आलिया भट्ट का देख सकते हो वो बहुत ही ज़्यादा थिन और बहुत ही मुलायम ऐसा दिख रहा है एंड दिस वन इज रियली लाइक थिक मटेरियल। बट यार लेट्स ट्राई इट और देखते हैं कि कैसा लगता है पहनने के बाद और कुछ भी सिमिलर ऐसा लगता है कि जैसा आलिया भट्ट का आउटफिट है। सो यार लेट्स ट्राई दिस एंड सी हाउ इट लुक्स। सो दिस इज हाउ द जंपसूट लुक्स लाइक। आई हैव मिक्स्ड फीलिंग अबाउट दिस वन बिकॉज आई लाइक द पैटर्न, लाइक दिस इज आई थिंक दिस इज एग्जैक्टली वॉट शी इज वेयरिंग। यहाँ पे ऐसे पॉकेट्स दी हुई हैं, लाइक बस फुल स्लीव्स नहीं है, हाफ स्लीव्स है एंड दिस इज अगेन द कोट और यहाँ पे ऐसे टाई अप थिंग दी हुई है। लुकिंग वाइज दिस इज 8 out of 10 आई थिंक, बट क्वालिटी वाइज आई एम लिटिल सैड बिकॉज इसकी क्वालिटी सो थिक, इतना ज़्यादा मोटा इसका मटेरियल है कि आई एम फीलिंग सो हॉट इन द मटेरियल से आई एम नॉट सो हैप्पी अबाउट इट। सो या लुकिंग वाइज आई विल गिव इट 8 out of 10 बट एज अ क्वालिटी एंड एज अ मटेरियल वाइज आई विल गिव इट आई थिंक 5 out of 10। सो या ओके, सो द नेक्स्ट प्रोडक्ट इज दिस ड्रेस एंड दिस इज रियली ब्यूटिफुल ड्रेस। लाइक इसकी नी लेंथ है एंड पोल का डॉट्स इस पे ऐसे वाइट वाइट कलर के बने हुए, रियली लव द डिजाइन एंड ओवरऑल लाइक दिस ड्रेस, आई रियली लाइक इट। सो अगेन आई फाउंड दिस ऑन मिंत्रा एंड दिस इज द ड्रेस एंड लुक एट द ड्रेस, आई मीन इजंट इट द एग्जैक्ट मैच। बस उसमें वाइट कलर के पोल का डॉट्स है एंड इसके अंदर थोड़े ऐसे कलरफुल पोलका डॉट्स है, अदरवाइज इसका वी नेक है, फुल स्लीव्स है, यू कैन सी द स्लीव्स एंड इसकी लेंथ भी नी लेंथ है एंड देन अगेन हेयर इज द टाई अप थिंग एंड आई रियली लव दिस ड्रेस एंड आई थिंक बाकी तीनों प्रोडक्ट्स में से दिस इज माई फेवरेट वन। लाइक इसका मटीरियल भी बहुत ज़्यादा अच्छा है, ये ड्रेस बहुत अच्छी है। प्राइसेस वगैरह जो भी होंगे मैं मेंशन कर दूंगी सारे के सारे और बाय द वे मैं इनकी लिंक्स भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी इन केस यू वांट टू बाय दिस। सो या दिस इज हाउ इट लुक्स एंड आई थिंक लेट्स ट्राई इट नाउ कि ये पहनने के बाद कैसी लगती है। सो या 1, 2 and 3। So this is how this dress looks like and oh my god, this looks really pretty
एंड सेम एज आई थिंक आई डिड अ प्रीटी गुड जॉब बिकॉज ये काफी हद तक सिमिलर लग रही है एज व्हाट शी इज वेयर. ओवरऑल दिस इज द एग्जैक्ट लाइक दिस इज द फुल स्लीव एंड द वी नेक एंड एवरीथिंग इज सेम एंड आई रियली लाइक द फिट द डिजाइन एंड द quality is bang on. I think I am going to give this 10 out of 10. What do you guys think? मुझे तो ये बहुत ज़्यादा similar लग रही है, अच्छी लग रही है and I really like this. Okay, so the third product is this blazer. Like this is a full blazer set. और ये red color का है, full ऐसे blazer दिया हुआ है और नीचे ऐसे trouser दी हुई है. अंदर उसने एक व्हाइट कलर की टी शर्ट डाली हुई है विच आई थिंक उसको तो मंगाने की जरूरत नहीं थी बिकॉज वो होती ही है. सो वो मैंने नहीं मंगाई है. आई ऑर्डर दिस सेट अगेन फ्रॉम मिंत्रा. कुछ इस तरीके का रिसीव हुआ है. नाउ दिस इज हाउ इट लुक्स. सो नाउ फर्स्ट लेट्स टॉक अबाउट द ब्लेजर. नाउ आई एम अ लिटिल बिट डिसअपॉइंटेड बिकॉज इसमें जो पिक्चर में दिखाया गया था आई थॉट कि ये बहुत अच्छा ब्लेजर आएगा और जैसा कि आलिया भट्ट ने पहना हुआ है वो भी एक प्रॉपर लाइक फिटेड ब्लेजर है. बट दिस इज मोर ऑफ अ जैकेट स्टाइल. लाइक ये बिल्कुल भी फिटेड नहीं है एंड यू कैन सी कि इसको देखने से ही पता चल रहा है कि किस तरीके का है. एंड ओवरऑल इसका मटेरियल मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा. इसका मटेरियल वो बहुत ही ऐसे खड़खड़ वाला मटेरियल होता है, कुछ इस तरीके का इसका मटेरियल है एंड आई डोंट लाइक दिस एट ऑल. बट हम ओवरऑल लाइक डिज़ाइन पर जज करेंगे बिकॉज मटीरियल तो पता नहीं चलता है साइड में कैसा आने वाला है. हमें तो लुक को देख के जज करें. बट इन केस यू वॉन्ट टू बाय दिस प्लीज कीप दैट इन माइंड कि इसका मटीरियल मुझे पर्सनली बिल्कुल अच्छा नहीं लगा है. नाउ लेट्स टॉक अबाउट द ट्राउजर. दिस इज हाउ द ट्राउजर लुक्स एंड ये थोड़ा एक वाइड लेग ट्राउजर है. लाइक ये आपको ऐसे फिटेड और टेलर्ड ट्राउजर नहीं आएगा, ये थोड़ा वाइड ट्राउजर है. दिस इज हाउ इट लुक्स और पीछे इस तरीके से इलास्टिक दी हुई है एंड कैमरा पे कुछ ज्यादा ही रेड दिख रहा है. अभी मुझे देखने से बहुत ज्यादा रेड लग रहा है बट इतना ऐसे ऑरेंजिश रेड नहीं है. सो दिस इज हाउ इट लुक्स. नाउ लेट्स ट्राई कि कैसा लगता है पहनने के बाद. ये कुछ सिमिलर लगता है कि नहीं लगता है उस हिसाब से हम रेटिंग करेंगे. सो या ओके गाइस, सो दिस इज द नेक्स्ट आउटफिट एंड आई मीन आई डोंट लाइक दिस बिकॉज ये बिल्कुल ऐसे जैकेट वाली फीलिंग दे रहा है और इसके नीचे मैंने पहले प्लेन वाइट टी शर्ट पहनी थी बट वो बहुत ज़्यादा ओड लग रही, ऐसे रेड और फिर ऐसे वाइट बिल्कुल प्लेन बहुत ही ज़्यादा ऑफ लग रहा था. तो मैंने ये फिर भी ग्राफिक टी पहनी कि थोड़ा सा कुछ बेटर लगे एंड दिस इज हाउ इट लुक्स. आई मस्ट से ट्राउजर्स आर फाइन. आई थिंक ट्राउजर्स लुक्स ग्रेट. द ब्लेजर इज नॉट ब्लेजर, इट लुक्स जैकेट एंड इट लिटरली लुक्स जैकेट. ये ब्लेजर वाला फील कहीं से भी नहीं दे रही है. लाइक फिटेड मैंने जैसा इसको इमेजिन किया था वैसे ये बिल्कुल भी नहीं आया. क्वालिटी वाइज इट्स नॉट सो गुड एट ऑल एंड अगर मैं इसका स्टाइल वाइज देखूँ इसका पर्सनल स्टाइल भी मुझे खुद अच्छा नहीं लगा बिकॉज अगर मैं ड्यूप ना भी सोचूँ और सिर्फ इसका स्टाइल देखूँ सो आई डोंट लाइक कि ऐसे जैकेट स्टाइल और ऐसे नीचे ये आई मीन आई वॉन्ट कि ये ब्लेजर स्टाइल में होता तो ये बहुत ज़्यादा अच्छा लगता. बट आई डोंट थिंक कि ये अब इतना ज़्यादा अच्छा लग रहा है. इतना ज़्यादा क्या मुझे अच्छा ही नहीं लग रहा है. सो या अगर मैं लुकिंग वाइज की बात करूँ सो लुक्स वाइज आई विल गिव इट आई थिंक 4 out of 10 बिकॉज मुझे कहीं से कहीं तक भी ये एग्जैक्ट सेम नहीं लग रहा है अदर देन कि इसका रेड कलर है और ये एक सेट में आया है कम्प्लीट. सो दैट्स आई एम गिविंग इट 4. और अगर मैं बात करूँ क्वालिटी की सो आई थिंक क्वालिटी के लिए भी अगेन आई विल गिव दिस 4. क्वालिटी इज नॉट गुड एट ऑल सो दैट्स आई एम गिविंग इट 4. सो या